मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा। मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। खिदमत करनी है। आप लोग जानते हैं महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट ने वस्त्र उद्योग मंत्रालय को मजीद फाल मुस्तहकम बनाने के लिए खास तौर से पावरलूम सनत जो पूरे महाराष्ट्र राज्य में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मुनज़म और गैर मुनज़म दो शोबे में जारी है, उसका ज़मीनी सतह पर तमाम मसाइल का जायज़ा लेने के साथ उसकी रिकमेंडेशंस, उसकी सिफारिशात, उसकी जानिब से आए हुए मेमोरेंडम, तजावीज़, मशवरे, राय जमा करने के लिए इस कमेटी का गठन किया है जनाब असलम शेख साहब जो वस्त्र उद्योग मंत्री हैं। ख़ास तौर से पावरलूम सनत की जमोहाली के लिए जिस वक्त महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट तश्कील पाई, उसके फौरन बाद एनसीपी के सरबराह जनाब शरद पवार साहब, इस रियासत के वजीर आला जनाब उद्धव ठाकरे साहब, इस रियासत के अकलियती उमूर के वजीर जनाब नवाब मलिक साहब, वजीर टेक्सटाइल व मछली पालन जनाब असलम शेख साहब और दीगर तमाम मुतालिका वज़रा ने खासतौर से फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री, इन तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पर एक बात तय की थी कि महाराष्ट्र में रोज़गार को फ़रोग दिया जाए, जो रोज़गार जारी है उसे और मुस्तहकम बनाया जाए, जो रोज़गार लोगों को मानसिक तौर से मजबूत बनाता है उसे और फाल बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया ने करवट ली है, एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, पूरी दुनिया आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तरीके से चेंज हो रही है। इस चेंजेस के पावरलूम सनत के ऊपर ख़ास तौर से गैर मुनज़्ज़म शोभा जैसे मालेगांव शहर है, यहाँ गैर मुनज़्ज़म पावरलूम सनत है, यहाँ पर लोग डेली वेजेस पे, वीकली वेजेस पे काम करते हैं और पूरे मुल्क में एग्रीकल्चर के बाद पावरलूम इंडस्ट्री ऐसी है जो बनारस से लेकर मालेगांव तक, इचल करंजी से लेकर भिवंडी तक, सोलापुर से लेकर विटा सांगली तक, मशरक मगरब शुमाल जुनूब चारों समतों में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम करने वाला यही वस्त्र उद्योग है, यही यंत्र मांग है। आज हम सब लोग सर जोड़ करके बैठे हैं इसके बेहतर मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए। अब ये लाए अमल आपकी जानिब से आएगा, इस लाए अमल से मुतालिक यहाँ जो जायज़ा कमेटी के अराकीन हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। नाज़िम अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं, तो इधर देखो मालेगांव शहर में जो जो मसाइल हैं वो मसाइल उनको बर वक्त मिलते रहें और हमारी जो तकलीफ है वो होती रहे। दूसरी तरबियत मेरी है कि जो यार्ड के रेट बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट एक वेयर हाउस बनाए, उसके अंदर वो वेयर हाउस से अगर वो यार्ड में बढ़ गया है तो हम बुनकरों को वो जो कम यार्ड का सूद है वो हमको देवे। तीसरी तरबियत मेरी ये है कि जो मालेगांव शहर की स्पिनिंग मिल बंद हो गई है, कुछ न कुछ उसके ऊपर कर्ज होगा, तो वो कर्जों को बाजू रखते हुए मजीद कर्ज दे के ऑटो मशीनरी के लिए उसको अलग से पैसा देवे, यहाँ से मशीन चले। उसके बाद मालेगांव शहर में एक एसटीसी मिल, स्पिनिंग मिल जो पहले बहुत सारी थी आज बंद हो गई है, मालेगांव शहर में सरकार एक एसटीसी मिल चालू करे। उसके बाद मेरा ये बोलना है कि 2023 में ये टेक्सटाइल पॉलिसी खत्म हो जाएगी और नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनेगी, तो हर किसी ने बिजली बिल के बारे में बोला है, 65 रुपये यूपी में है, ये तमिलनाडु में है, ये केरला में, ये गुजरात में। हम जब तांबा काटा जाते हैं तो 2 पैसे 5 पैसे के लिए हम झगड़ा करते हैं कि भाव बढ़ जाए, क्योंकि हमारा लाखों मीटर का सौदा होता है, वो 2-5 पैसे से हमारे लाखों का नफा नुकसान हो जाता है। हमसे सस्ता कपड़ा यूपी और तमिलनाडु वाले दे देते हैं, इसलिए हमको उनके बराबर हमारा कास्टिंग है। इसके लिए बिजली बिल की सब्सिडी आने वाले 2023 में ना रखते हुए फिर से मिल दिया जाए, ये मेरी अपनी मांग है और ये कमेटी इसके ऊपर गौर करेगी, ऐसी मैं उम्मीद। आज ये गवर्नमेंट की आड़ावा बैठक
जी जायजा मीटिंग ये दूसरी है। इससे पहले हम लोगों ने भिवंडी शहर में वहाँ पर भी बुनकरों से, पावरलूम होल्डरों से, वीवरों से, फेडरेशन के जिम्मेदारों से ये बात की और उनसे उनकी राय मांगा और उनके सुझाव उनसे लिए और उन्होंने जो भी बात की तो हमने वो हमारे बुक में नोट की है और उनकी सारी बातों को और सभी शहर जहाँ जहाँ हमको जाना है ये सारे शहरों के पावर लूम होल्डरों से मिल करके हम उनकी बात सुनने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये रिपोर्ट ये कमेटी गवर्नमेंट को जब देंगी तो उसमें जो भी हालात से पावर लूम सनत गुज़र रही है वो किस तरह अच्छी हो जाए, किस तरह इस हालात से निकले और उसका अच्छा हो, भला हो, इसके लिए ये कमेटी ये रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ शहर में दूसरी मीटिंग भी बहुत कामयाब रही, हमारे जो मेंबर्स है कमेटी के ये लोग सोलापुर से, इचल करंजी से और देगर नागपुर से हमारे सादिक भाई देगर शहरों से आए हुए जिम्मेदार हैं और जो सरकारी ऑफिसर जो हमारे सिसावड़े साहब है वो भी अपनी पूरी टीम लेकर हमारी कमेटी के साथ है। तो मतलब ये कि जब से देश आज़ाद हुआ ये पहली बार किसी गवर्नमेंट ने पावर लूम सेक्टर में ऐसी कमेटी बनाई है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आवाम को ये भी बताना चाहेंगी हमारी कमेटी कि अगर जो इस प्रोग्राम में कोई अपना मेमोरेंडम नहीं दे सका या कोई अपनी बात नहीं रख सका तो आने वाले 15 दिनों में भी अपना मेमोरेंडम तैयार करे और हमारे कमेटी के जिम्मेदारों को और अधिकारियों तक पहुंचाए। ऐसी मैं अपील करूंगा शहरियान से कि वो गाफिल न रहे, ऐसे मौके का ज़रूर कोई फ़ायदा उठाए। मेमोरेंडम कहाँ पहुँचाएंगे? जो स्थानिक सदस्य है हमारे जो शहर में जो कमेटी के मेंबर हैं उनके यहाँ पहुँचाए, मालेगांव है तो मेरे यहाँ दे दो, भिवंडी में रसीद ताहिर है, हमारे डॉक्टर नूरुद्दीन अंसारी है वहाँ देंगे, इचल करंजी के भी जो दो जिम्मेदार है वो वहाँ पर हम उनका भी एड्रेस देंगे, सोलापुर में हमारे कमटम साहब उनके वहाँ पर भी वो वहाँ पहुँचाएँगे, जहाँ जिम्मेदार है वहाँ ये दे सकते हैं। और सरकारी जो है मेन ऑफिस का एड्रेस भी है वहाँ भी डायरेक्ट पोस्ट से या कुरियर कर सकते हैं आप लोग। ये आपके माध्यम से शहरियान को ये बताना चाहूँगा मैं कि अभी भी 15 दिन आप ये काम को जितना सोच सकते जो सुझाव दे सकते हैं वो हमें ज़रूर भेजें और ज़रूर दें। अभी मेरी कमेटी के मेंबरों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग 3 दिन से सफ़र करते हुए पहले भिवंडी रात भर चले और सुबह पहुँचे, दिन भर प्रोग्राम हुआ, फिर रात में मालेगांव आए तो 1 बज गए हम लोगों को पहुंचने, यानी नींद भी नहीं हो रही है ठीक से, लेकिन वो बेचारे जुड़े हुए कि ये कमेटी की रिपोर्ट बन जाए, एक बार सरकार तक अच्छी रिपोर्ट पहुंचे, ये तरीके से उन्होंने भी बहुत मेहनत की, इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी खबर अच्छे माध्यम से पहुँचाई, तभी ये कामयाब रहा हमारा ये प्रोग्राम। आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रिपोर्ट तैयार होने के बाद कब तक उस पर अमल होगा? रिपोर्ट तो बहुत जल्दी मांगी उन्होंने, 3 महीने 4 महीने तक रिपोर्ट मांगी है, जब भी रिपोर्ट तैयार हो जाएंगी उसके बाद हम उनसे ही पूछेंगे कि भाई जल्दी अमल करो, इसके लिए हम सरकार से और हमारे मिनिस्टर से बोलेंगे कि जल्द से जल्द इस पर अमल करो।